आज के इवेंट बहुत अच्छा है और मुझे इंडिया इंटरनेशनल रह चुकी हूँ, ये सुनीता के पेजेंट में आई हूँ और इसमें मैं अब इंडिया इंटरनेशनल बनी हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये सब कुछ हुआ है सुनीता और उनकी बेटी के लिए। थैंक यू सो मच। Nafisa Khan, who is our official dress designer of International Glam Icon, to say a few words of how she's feeling today. Thank you so much all of you. मैं सबसे बड़ी शुक्रगुजार हूँ सुनीता भगत जी का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, ये अपॉर्चुनिटी दिया। मैं ये 5 years से मैं जिस फील्ड में हूँ, फैशन डिज़ाइनर हूँ और मैं वेस्टर्न ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ। थैंक यू सो मच। वेरी स्वीट, सो हैप्पी टू हैव हर विद अस। एंड उनके ड्रेसेस बिल्कुल ही ब्यूटीफुल थे एंड उन्होंने वो पहनकर हमारे कंटेस्टेंट्स पे चार चांद लग गए एंड दे वर ऑल लुकिंग वेरी वेरी ग्लैमरस। थैंक यू नफीसा फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस। थैंक यू। मिसेस सुधा पटेल, प्लीज कम एंड प्लीज शेयर अ फ्यू वर्ड्स कि आज आपको यहाँ कैसे लग रहा है। मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, सबको देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और स्पेशली सुनीता मैम, एक इसकी टीम सब बहुत ही अच्छे से एक कर रहे हैं बराबर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं डिज़ाइनर हूँ, वेस्टर्न डिज़ाइनर हूँ और पुणे से हूँ। हमारे दो सीक्वेंस थे, सीक्वेंस 2 की डिज़ाइनर थी, सीक्वेंस 1 की नफीसा जी डिज़ाइनर थी। सो ऐसे ही हमारा इंटरनेशनल कम लेट्स हैव अ पिक्चर। यस, द डिज़ाइनर्स के बाद वसीम, जो हमारे कश्मीर से आए हैं स्पेशली एज अ कंटेस्टेंट, आप बताइए वसीम कैसा लग रहा है? जी मैं बहुत खुश हुआ यहाँ आके। अगर इंसान जीत नहीं पाता है, कम से कम इंसान कुछ सीख के जाता है। सो स्वीट, जीते तो है वैसे ये हमारे रनर अप विनर है। जी सुनीता जी वो बहुत अच्छी है, उसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, हम खुश हैं। कश्मीर से यहाँ आना बहुत टफ था लेकिन हम आ गए। थैंक यू। हाय, आई एम बिंदु सुभाष एंड आई कम ऑल द वे फ्रॉम ओमान, मस्कट ओमान। आई वॉज ब्रॉट इन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बेंगलुरु एंड आई एम अ फिटनेस कोच and a Wonk and Shotokan International and this is my first pageant and I feel very excited, feel top of the world. Thank you. Sunita ji dalin theek hai, ek second mein dal de isme theek kar, aur ki ye miss queen of the world, miss winner and miss fabulous no? yes तो इस ईयर के ये हमारी विनर है मिस की। तो हम ईशा संजारी से पूछना चाहेंगे, ये बॉलीवुड एक्टर है और बहुत ही मतलब सक्सेसफुल मॉडल है, ये बहुत सारे शूट्स इनके हमारे इंडस्ट्री में चलते हैं और इन्होंने अपना जलवा यहाँ टैलेंट जो शो किया है और इन्होंने ये अचीव किया है अपने टैलेंट के थ्रू, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इंटरनेशनल ग्लैम आइकॉन। आई हैव वॉन दिस अवार्ड फॉर इंटरनेशनल ग्लैम आइकॉन Queen of the world and I'm very happy to receive this award. Actually I'm an actor, I'm from Bollywood. I've done some video albums and I've done some ad films and that's it. Thank you so much. Thank you. International Glam Icon season 4 mein aapka kaisa experience tha hamare saath? Very nice experience, very cooperative everyone एंड आई एम वेरी हैप्पी और मैं चाहूँगी कि ऐसे शोज और बढ़े, आगे बढ़े, इंटरनेशनल और आगे बढ़े, बस मैं यही चाहूँगी। एंड थैंक यू सुनीता जी, स्पेशली थैंक यू सो मच फॉर सुचर कॉपरेटिव। थैंक यू एक्ट में टीम के पूरे स्पॉन्सर, इनमें जितनी लड़कियाँ इतनी खूबसूरत लग रही है, परी की तरह लग रही है ना ये, जो पूरा मेकअप ऑल ओवर हुआ है हमारे टीम में, जो चार चांद लगा है ये सिर्फ सनी की वजह से है। तो थैंक यू सनी फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस ब्यूटीफुल इवेंट, यही बने रहिए। एंड आज आपकी मॉडल्स काफी ब्यूटीफुल लग रही थी, काफी मेहनत लगती है, इतनी सारी मॉडल्स आज रैंप पे और स्टेज, इतना एफर्ट डाला है इनकी टीम ने, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। थैंक यू सो मच। आदित्य देशमुख है, ये नागपुर से हैं और इन्होंने प्लैटिनम विनर का खिताब हासिल किया है आज इंटरनेशनल सीजन 4 से। तो आदित्य आपको कैसा लगा हमारे शो में, प्लीज़ ये मीडिया वाले आपसे कुछ जानना चाहेंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस गया हमारे साथ, प्लीज़ शेयर। मैं ये जीतने के बाद एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सक्सेस मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। वेरी गुड। और मैं सभी यूथ को कहना चाहूँगा
कि ऐसा कोई भी नहीं होता जो मॉडलिंग नहीं कर सकता, प्लीज़ सामने आइए और कोशिश कीजिए बस। और सुनीता मैम ने जो मुझे गाइडेंस दिया है, प्रीति मैम ने भी गाइडेंस दिया है, वो काफ़ी काबिल तारीफ है और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू आदित्य, थैंक यू इतना इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलने के लिए, और आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा, हम और आगे काम करेंगे आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपना नाम बताइए। ये पीयूष, आप अपना नाम बताइए। पीयूष बतड़ा। आप कहाँ से हैं ये भी बताइए। मैं नागपुर से हूँ एंड आई एम वेरी ग्लैड टू जॉइन दिस ब्यूटी पेजेंट एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ बींग हियर इन मुंबई एंड होल्डिंग दिस अवार्ड। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सुनीता मैम, वर्तिका मैम एंड विनोदिनी मैम, वेरी नाइस मेंटरिंग। आप बताओ आपने क्या हासिल किया हमारे शो से, आपके टैलेंट पे जो आपको मिला है, क्लासिक विनर के ये इन्होंने होल्ड किया है, तो आप प्लीज़ बताओ आपको कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वॉज फैंटास्टिक। एक जो प्लेटफॉर्म चाहिए था वो प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली आप बोल सकते हैं कि एक बहुत अच्छा स्टेज इन्होंने दिलवाया है एंड आई विल बी ट्राई माई बेस्ट कि मैं कई सारे मिलियंस ऑफ हार्ट्स को इंस्पायर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच सुनीता मैम, वर्तिका मैम एंड विनोदिनी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू पीयूष, थैंक यू। ये हमारी शो ओपनर थी आज इंटरनेशनल ग्लैम आइकॉन सीजन 4 की, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इनको अपने शो में पाया, और मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और उन्होंने हमने इन्हें अपने जितने हमारी टीम ने इन्हें वुमेन ऑफ डिग्निटी के लिए सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये इस एज में, इस उम्र में कोई इन्हें नहीं बोल सकेगा। आप लोगों को लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, बट सच में ये वुमेन ऑफ डिग्निटी है। 62 ईयर्स में इन्होंने जो कमाल दिखाया है हमारे शो में वो काबिले तारीफ है, तो प्लीज़ क्लैप योर हैंड एवरीवन उनके लिए। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अरे बहुत ही अच्छा था, और बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो सुनीता जी ने मुझे दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू विद्या जी, थैंक यू। आप प्लीज़ अपने बारे में पहले इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप मुंबई में आप किस लेवल पे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम मिसेस मंजिरी फणसेकर, बाय प्रोफेशन आई एम डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ GST। आई एम सैफ्रॉन मिसेस इंडिया 2022, यूनाइटेड नेशंस एशिया यूनिवर्स 23, मिसेस बेस्ट पर्सनैलिटी एंड क्लासिक फेस ऑफ पनाश। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक सुनीता भगत मैम एंड पूजा भगत मैम फॉर कॉलिंग मी एज अ शो स्टॉपर। आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर फॉर द नंबर वन, मैं कह रही हूँ इस शो को, इंटरनेशनल ग्लैम आइकॉन। बहुत ही खूबसूरती से मैडम ने ये इवेंट किया है एंड ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, क्योंकि ना ये बॉम्बे मेरा होम टाउन ये नहीं, बस इनका प्यार है कि ये शो इतने आगे जा रहा है, सीजन 1 से 4 तक आया है, और हम 100 तक करेंगे आप लोगों के सपोर्ट से। थैंक यू। और सबसे प्यारा अट्रैक्शन है अरबाज खान पास, और ऑल आर वेरी हैप्पी। कंटेस्टेंट कहाँ कहाँ से आए हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से आए हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से आए हैं, सबने बहुत ही खूबसूरती से पेश किया खुद को, सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। इंटरनेशनल ग्लैम आइकॉन्स, ये हमारे मिस्टर इंटरनेशनल ग्लैम आइकॉन सीजन 4 के विनर्स है, ये मलेशिया से आए हैं, इंटरनेशनल प्राउड विनर का इन्हें खिताब मिला है, और ये हमारे मेन विनर है। जो आप अपना ट्रॉफी दिखाइए, यहाँ रखिए, दोनों यहाँ रखिए, हाँ दिखेगा भैया, अच्छा ऐसे पकड़ के। ये हमारे मिस्टर कैटेगरी के विनर हैं और इंटरनेशनल प्राउड विनर हैं, अरविंद्र सिंह फ्रॉम मलेशिया एंड फ्रॉम मुंबई, निखिल कदम फ्रॉम मुंबई। तो प्लीज से समथिंग। थैंक यू फॉर मिस सुनीता भगत टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली इट इज लाइक आई फील प्राउड एंड वी मोर सक्सेस। थैंक यू अरविंद, थैंक यू प्लीज। मैं बहुत खुश हूँ सुनीता भगत के साथ एक्चुअली काम करके, उनका मतलब जो हार्ट है ना, किसी को अप्स एंड डाउन्स में कुछ नहीं करता, इट्स लाइक वेरी प्योर, वेरी प्योर, एंड उनके साथ काम करके ना इतना अच्छा लगता है कि लाइक डाउन टू अर्थ है बोलना चाहिए तो, एंड आई वुड लव टू वर्क विद हर मोर एंड मोर एंड मोर। निखिल आप बहुत आगे जाओगे, क्योंकि जो दूसरों को अच्छा बोलना जानता है, गॉड उनको देखता है, और वो और खुद भी बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू, थैंक्स मैम, थैंक यू मिस सुनीता, इट वाज ग्रेट वर्क। एक फोटो हमारे विनर फोर के, आपको क्या मिला है प्लीज बताएं। ब्यूटीफुल आईज एंड क्लासिक टॉप 5 में, टॉप 5 का खिताब इन्होंने जीता है। ये एज अ प्रोफेशन ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट है, और इस फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ये करती रहती है, तो आपको कैसा लगा हमारे शो में? मुझे बहुत अच्छा लगा, और शो में किसी को ऐसा नहीं लगा, कह रही मुझे कुछ नहीं मिला, सबको इतने अच्छे से मिला कि सब, मैं तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मिसेस वाणी वैष्णवी, वैष्णवी मिस वैष्णवी वासलकर फ्रॉम नागपुर,
यस, आप बताइए आपको कैसा लगा? आप आज क्लासिक की विनर हुई हैं, आपने वर्ल्ड के सभी लोगों को पीछे करके आपको क्लासिक का भी खिताब मिला है, तो आपको कैसा लग रहा है हमारे शो में आके? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगी जो इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है हमें, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच सुनीता मैम। ये आपका हार्डवर्क है, आपका एफर्ट्स है कि आपको इस मंच पे ये खिताब मिला है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप जैसे कंटेस्टेंट्स को पाके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमारे शो से। प्लीज तरफ से हमको दो क्राउन्स मिले हैं, क्लासिक का खिताब, आपने थर्ड रनअप का खिताब हासिल किया है, तो प्लीज़ हमारे पैजेंट के बारे में आप कुछ बताइए मीडिया को। मैम ने मुझे नागपुर से बहुत ही फोर्स करके बुलाया, जो कि मैं किसी तरह से मना कर रही थी। मैम को बहुत इच्छा थी कि मैं आऊँ, मुझे इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू प्रीति है, ये हमारी सपोर्टिंग पार्टनर है, इन्होंने इंटरनेशनल ग्लैम आइकॉन को आगे ले जाने में स्पेशली सीजन फोर में इनका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू प्रीति, आपने इतना लव, आपका इतना प्यार, हम बहुत दिल से आभारी हैं आपके। प्लीज़ हमारे पैजेंट के बारे में कुछ बताइए आप। इंटरनेशनल ग्लैम आइकॉन ये वुमेंस एम्पावरमेंट को आगे लेकर जाता है, सुनीता स्पेशली सुनीता एंड पूजा वुमेंस को इतना आगे लेकर जाती है, और सबके साथ फेयर होता है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सब लोग इनके साथ फैमिली की तरह रहते हैं। इंटरनेशनल ग्लैम आइकॉन इज अ रॉक। थैंक यू प्रीति, थैंक यू, लव यू, आई लव यू। अगर तो इंटरनेशनल ग्लैम आइकॉन सीजन 4 की हमारी विनर मोहिनी मैडम, और आपको कैसा लगा हमारे शो में आके एक खिताब हासिल किया, जो आपने अपने खुद के टैलेंट पे आपने बहुत मेहनत किया है, ये हमारे सारे लोगों ने देखा है, पब्लिक ने देखा है, हमारी जूरी ने देखा है, और आप सबको पीछे करके उभर के ऊपर आई हैं, तो आप प्लीज़ बताएं कुछ मीडिया को। एक्चुअली मैं नागपुर से हूँ और बेसिकली आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर, और यहाँ पे मैंने जस्ट शो में आई और बहुत मेहनत की, बट विदाउट सुनीता मैम इट्स नॉट पॉसिबल, द वुमन विद गोल्डन हार्ट, शी इज, एंड होल टीम इज़ वेरी कोऑपरेटिव, द ऑफिशियल ग्रूमर वर्तिका मैम, प्रीति स्वामी मैम, एवरी वन इज़ वेरी लवली, डोंट ट्राई, डोंट। थैंक यू डॉक्टर शुभांगी फ्रॉम नागपुर, आप कुछ बताइए, हमारी प्लैटिनम विनर है, और इस एज में भी इन्होंने जो कमाल, जो जलवा अपना दिखाया है, सबको माफ किया है, तो प्लैटिनम का जो आपने खिताब हासिल किया है, तो प्लीज़ आप कुछ हमारे मीडिया को बताइए, हमारे लिए कुछ तारीफें कीजिए, हमारी भी, हमारा भी कुछ एफर्ट्स रहा है आपके साथ। यस डेफिनेटली, सुनीता मैम वाज बिहाइंड मी सिंस 3 इयर्स, बट आई एम अ डेंटिस्ट एंड अ फुल टाइम एकेडमिशियन, सो ड्यू टू वर्क एंड ड्यू टू ट्रैवल एंड ऑल आई वाज नॉट एबल टू डू, बट दिस टाइम आई डिसाइडेड कि आई वांट टू डू दिस शो बिकॉज आई हैव हर्ड सो मच एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म एंड शी गिव्स एवरीवन and fair result. Thank you Sunita ma'am, and my special thanks to my groomer Dr. Vartika ma'am, oh my god, she's such a ground to all lady, grounded, sabki favorite hai, sabki favorite, we all love you, she is the best, thank you so much. Thank you, Aikawad hai hamari Mrs. International Glam Icon season 4 ki first runner up and Pride of Nation award winner. तो आपको कैसा लगा हमारे शो में आके, प्लीज़ शेयर कीजिए ना मीडिया से। मैं क्या बताऊँ, कुछ मतलब इतना खुश हूँ मैं, सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ बहुत, और मुझे मेरा जो सपना था कि मुझे बहुत बड़ा क्राउन लेना है, मैंने सोचा ही नहीं था कि आज मुझे मिला है, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की मैंने, और आपका सपोर्ट है मैम, आपने ऐसे ही तरीके करो, आगे बढ़ो, आपने क्या क्या लिया है, मिसेस मोस्ट कॉन्फिडेंट एंड क्लासिक थर्ड रनर अप, आपको कैसा लगा हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लगा सुनीता जी, इनके शो में आके इतना अच्छा लगा और इतना अच्छे एक्सपीरियंस गेन हुआ, सब जन इतने सपोर्टिव, इतने केयरिंग है यहाँ पे, और मैं तो बोलूँगी जितने भी लेडीज़ लोग, हाउस वाइफ लोग हैं, एक बार अपने घर से निकले और निकले। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक तो कदम अपना आगे बढ़ाना शुरू करें, तब आज नहीं तो कल सक्सेस तो जरूर मिलेगी। थैंक यू नीलिमा, थैंक यू सुनीता जी, उसके लिए सुनीता जी को बहुत बहुत थैंक यू, चलो थैंक यू सो मच। नागपुर इन्होंने क्लासिक विनर ना, प्लैटिनम विनर का खिताब हासिल किया है, तो आपको कैसा लगा हमारे शो में आके? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ वी कैन स्पीक अप अबाउट व्हाट वी रियली फील, हम एक्चुअली इम्पैक्ट ला सकते हैं दुनिया में, ये रियलाइजेशन यहाँ आके होता है, वी वेरी थैंकफुल फॉर
for our grooming expert, Dr. Vartika ma'am, Mrs. Vandini Krishnamurthy ma'am. They've been expert groomers. They taught us confidence, how to walk, how to talk, and everything. I'm very thankful for this wonderful platform. I wish everybody is inspired to participate more. I hope this goes higher and higher. Thank you, Dr. Priyal, for lovely words for me. Thank you very much. Nalandir ji, aapko kya mila hai bataiye? Second runner of platinum category. And timeless beauty you have won, na? हाँ. तो आपको कैसा लगा हमारे platinum? बहुत अच्छा. मैंने actually ऐसा लगता कि queen है, हम उड़ना चाहते थे, तो हम यहाँ पे आके अपने सपनों की जो उड़ान पर मिल गए. हाँ, तो पर मिल गए. सबसे ज़्यादा श्रेय मैं वर्तिका मैम को देना चाहूँगी, बहुत दिल से, क्योंकि मैं पीछे हट गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे इतना अच्छा आइडिया, आपको इंस्पायर किया, गाइड किया, और सबसे ज़्यादा सुनीता मैम, और आप आज यहाँ है. हाँ, और वैशा मैडम, थैंक यू नालंदा जी, थैंक यू. एंड क्वीन ऑफ इंडिया की विनर प्रीति शेट्टी, और आप वुमेन्स ऑफ प्राइड ऑफ इंडिया की विनर आरती डोंगारे पंडित थे. डॉक्टर्स है कि हमारे मुँह पे सिर्फ डॉक्टर्स ही आते हैं हमारे पैजेंट में, सॉरी फॉर देट. तो आरती जी, मतलब मैं क्या बोलूँ इनके लिए, जो इन्होंने हासिल किया है खिताब, ये सचमुच इसके लायक है. इनका जो काम है, आप प्लीज़ शेयर कीजिए आप क्या करती हैं. नमस्ते, मैं शुगर एंड ओट्स के उसके बाय प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हूँ आउट ऑफ इंडिया, अफ्रीकन कंट्रीज एंड मिडल ईस्ट में. थैंक्स टू सुनीता मैम गिविंग अस इस बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस. We will grow together 100%. 100%. Thanks to Glam Icon Food. Thank you, Aarti ji. Priti Shete ma'am, please कुछ बताइए. आपने आज अपने Queen of India का हासिल किया है, और fabulous या gorgeous का भी कुछ आपको title मिला हुआ है. तो सबसे पहले Glam Icon, सुनीता मैम और वर्तिका मैम का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी. और इन्होंने इतना inspirational pageant रखे, इतने अच्छे अच्छे चांसेस दिए हैं, और उसमें मैं क्वीन ऑफ इंडिया का टाइटल. मैम आप डिजर्व करते हो, आपको तभी ये मिला है. और थैंक यू सो मच ग्लैम आइकॉन. थैंक यू प्रीति, थैंक यू आरती, थैंक यू मैम, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा अपना. थैंक यू है नागपुर से. और श्रुतिका घराट, तो आप लोगों को कैसा लगा हमारे साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर किया आप लोगों ने, आप यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाया, जो भी एक्सपीरियंस गेन किया, प्लीज़ कुछ मीडिया को बताइए. जी, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. अभी तक जो भी हमने किया था, बहुत सारे एक लेवल पर हम लोग ने किया था, प्राची इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करके और अपने टैलेंट को और निखारते हुए, बहुत मज़ा आया. और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कल में हम अपना और बेस्ट देंगे. Definitely. और साथ ही साथ जी, तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. एंड वर्तिका मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमेशा सपोर्ट किया है, और आने वाले कल में भी आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करेंगी, ताकि हम नेक्स्ट लेवल पर जा सकें. थैंक यू सो मच प्रीति, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ. प्लीज़ श्रुतिका, आप कुछ बताइए हमारे शो के लिए. सबसे पहले ग्लैम आइकॉन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म हम वुमेंस के लिए क्रिएट किया है, और इसी तरह आगे आने वाले सब पेजेंट्स के लिए भी और वुमेंस के लिए भी बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है. और यही वक्त है कुछ कर दिखाने का, सो वी डिड, एंड रिज़ल्ट आपके सामने है कि सब वुमेंस ने बहुत अच्छा किया है, और वो जीती हुई है दिल भी और क्राउन भी. थैंक यू श्रुतिका, थैंक यू प्रीति, प्लीज़. शारदा सोमलवार कलेले है, इन्होंने क्लासिक विनर, क्लासिक कैटेगरी के विनर रही हैं आज सीजन 4 में, और क्वीन ऑफ सब्सटेंस का इन्होंने खिताब हासिल किया है अपने टैलेंट के दम पे. और इन्होंने जो भी यहाँ जितने लोगों को इंस्पिरेशन है हमारे लिए, तो प्लीज़ आप कुछ शेयर कीजिए मीडिया से हमारे शो के बारे में, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा. आई एम वेरी थैंकफुल टू सुनीता, पूजा एंड ऑल दिस ब्यूटीफुल लेडीज फॉर क्रिएटिंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर एस्पिरेंट्स लाइक अस, एंड रियली थैंकफुल टू देम. हाँ, तो अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है ये, एंड सुनीता एंड पूजा भगत बोथ आर द एंड आई थिंक यू हैव डन सम मेनी सच इवेंट्स, एंड आई एम क्वाइट ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट, द इंटरनेशनल ग्लैम आइकॉन इवेंट, एंड दिस इज द सीजन 4. Yes. So it's like really amazing. So I'm quite excited to be a part of this evening. Thank you.
हम लोग मतलब सातवें आसमान पर होते हैं। मैं अगर इंग्लिश में बोलूंगी तो शायद अपना फील मैंने नहीं आपको क्या बोलते हैं उसको फोकस किया है। क्लाउड 9 टू हैव हिम हियर, ओके, एंड आई एम रियली 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 हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी एक्चुअली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। सो आई एम रियली ग्लैड दैट ही एग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ आवर शो एंड आई होप दैट ही एंजॉय द शो। हमारा शो किस लेवल पे जा रहा है मैं आपको मतलब बोलते ना जबान कांट डिस्क्राइब टू वर्ड्स, मैं बता नहीं सकती कि इन्होंने इनका सपोर्ट ये जो आए हैं हमें बहुत ज्यादा अपने लेवल हमारा शो का बढ़ा दिया। आपका शो बड़ा अच्छा शो है। Thank you so much. Thank you. Enjoy the evening now.